बात की जाए अगर सबसे पहले अहमद अली के बारे में, जिन्होंने परिजात ड्रामे से बहुत ज़्यादा फेम कमाया, तो आखिर इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्या क्या बातें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की जानते हैं आज की इस वीडियो में। Assalamualaikum, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले अहमद अली के बारे में, जिन्होंने परिजात से बहुत ज़्यादा फेम कमाया। लोगों ने कहा कि परिजात में इनकी अदाकारी इस तरह थी कि देखने वाले वाकई इनके फ़ैन हो गए और देखने वाले इनके चाहने वाले जो उनकी तादाद में और ज़्यादा इजाफा हो गया, इनकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हो गया और लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। मगर बात की जाए 2022 की, 2022 में जब इनके पास परिजात का स्क्रिप्ट आया तो इन्होंने कहा कि ये क्या 1965 का ड्रामा आप लोग मेरे पास ले आए हैं, ये कुछ ऐसे लड़के को हायर करें जिसका या तो रंग काला है या वाकई उस करेक्टर पर पूरा उतरता है। ये असल में स्क्रिप्ट इन्होंने पहले एपिसोड ही प्रतिसाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कह दिया था, मगर जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इन्होंने कहा कि यार इस तरह करके किसी और को प्रोजेक्ट में हायर करें, तो उन्होंने कहा खुदा का वास्ता पहले आप स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ें, जब आप पूरा पढ़ के इसको समझेंगे, इसका लेसन निकालेंगे, फिर आप इसको करने के लिए ज़रूर रजामंद होंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब परिजात उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने कहा वाकई ये रोल मुझे करना चाहिए। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो बात की कि आपको ही परिजात के लिए मतलब रखा गया और आप इस किरदार को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा भी। मगर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उनका परिजात ड्रामा इतना सुपर हिट चला जाएगा। शुरू में जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्होंने कहा बाकी ड्रामास की तरह ये ड्रामा मेरा फ्लॉप है, मगर थोड़ी देर बाद ही उनको रियलाइज हुआ कि वाकई ये ड्रामे में बहुत बड़ा लेसन था और लोगों ने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया। कह सकते हैं कि अहमद अली की ज़िंदगी बदल गई परिजात ड्रामे से, जिस तरह हुमायूं सईद की ज़िंदगी बदल गई मेरे पास तुमों से। कह रहे हुमायूं सईद तो पहले से भी बहुत ज़्यादा फेम में थे, हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट को कैंसिल किया, रिजेक्ट किया, तो ये बातें पछताते भी हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए था। अहमद अली उस वक्त अगर रिजेक्ट कर देते तो मेरे परिजात ड्रामा इस वक्त कोई और कर चुका होता और फेम ले चुका होता। फिर अहमद अली के पास सिवाय पछतावे की कुछ भी ना रहता है। जिस तरह मेरे पास तुमों में सबसे पहले फिरोज़ खान को रखा गया और कहा गया फिरोज़ खान इस ड्रामे को अंजाम देंगे, मगर आखिरकार जब खलीलुर रहमान से उन्होंने पैसों की डिमांड की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे से पैसों की डिमांड कर रहे थे, तो फिरोज़ खान ने कहा भाई मेरा हक है मैं मांगूंगा। तो इस तरह फिरोज़ खान ने ड्रामा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हुमायूं सईद ने यह प्रोजेक्ट किया और आप सब देख ही सकते हैं किस तरह मेरे पास तुमों को रातों रात फेम मिला। अब फिरोज़ खान पछताता तो होगा कि काश मैं प्रोजेक्ट कर लेता और आज मैं भी ऊंचाई की बुलंदी पर और ज़्यादा होता। खैर आप मुझे बताएं कि मेरे पास तुम हो ड्रामा फिरोज खान को ज्यादा सूट कर रहा है या हमारी उससे ज्यादा अच्छे थे, कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।